सबसे पहले आज 15 अगस्त से सबको सबको इंडिपेंडेंस मुबारक हो। आज 15 अगस्त से आज 71 इंडिपेंडेंस आज़ादी 71 कंप्लीट हुआ, 72 कंटिन्यू कर रहे हैं। और दूसरी बात क्या है कि आज जैसा कि आप जानते हैं कि आज झंडा भारत को बचाने के लिए तिरंगा उठाना ज़रूरी है, भारत को बचाने के लिए तिरंगा उठाना ज़रूरी है। ये हमारा शान है, आन है, बान है। आपने देखा है भगवा एक अल्फाज है जो घूम रहा है, उसके लिए ये तिरंगा उठाना ज़रूरी है। क्योंकि जो सोच है हिंदुस्तान का, आइडिया है, सोच है, उस पर कहीं ना कहीं हावी हो रहे हैं एक ताकत, उसके लिए झंडा हम तमाम लोगों को झंडा उठाना ज़रूरी है। दूसरी बात है कि जो मैं ना कमज़ोर लोगों के साथ, मैं वो अल्फाज नहीं कहना चाहता हूँ, आँख के माजूर जो लोग हैं वो अल्फाज नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे वालिद महरूम भी आँख से माजूर थे, तो मैं कहीं ना कहीं अपने वालिद को मिस कर रहा था अराउंड, तो मैं उनमें अपने वालिद खोज रहा हूँ और मेरे वालिद उसमें कहीं बैठे। अब आते हैं कि दूसरी बात क्या है कि आज का जो प्रोग्राम की जो नौीयत है, सो दीज आर थिंग्स, कम बैक टू द पॉइंट्स एंड के मैं चाह रहा था कि अब आते हैं कि देखिए आज के स्पीच में जो मोदी जी ने कहा है, मैं कोई एज अ सिटीजन बात कर रहा हूँ, मैं कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं हूँ, मैं सिटीजन बात कर रहा हूँ। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका देयर इफ दे सबमिट द रिपोर्ट एंड एवरी इंडिपेंडेंस, हर इंडिपेंडेंस में वो रिपोर्ट सबमिट करते हैं, दे नेवर स्पीक एनीथिंग बबली थिंग्स ना सम प्री पड़ा, दे सबमिट द रिपोर्ट। सो आई थिंक मैं रिक्वेस्ट करता हूँ एज अ सिटीजन कि आने वाले में भी ये रहेंगे या नहीं रहेंगे, मेरे ख्याल से 6 महीने बाद ये नहीं भी रह सकते, एक ताकत है। अगर ये नहीं रहे तो अगर कोई भी आता है तो वो इस रिपोर्ट सबमिट करे कि क्या इन्होंने डेवलप किया, क्या क्या किया। 15 अगस्त के आज़ादी का माने रिपोर्ट सबमिट करना, आपको स्पीच मिसगाइड नहीं करना। अब आते हैं कि आज जो माहौल है मुल्क का जो माहौल है, आज से कबल 1972 में युगांडा का एक तानाशाह आया था, डिक्टेटर तानाशाह आया था, ईदी अमीन साहब, एक रात को उठता है और उठ के बोलता है अल्लाह मियां ने मुझे ख्वाब दिखाया, ये शाही मुल्क को इस मुल्क से निकालो। एशिया में सब कॉन्टिनेंट के सभी लोग आते हैं। तो जब वो माहौल था ना, तो मैं उसी माहौल को आज हिंदुस्तान में फील कर रहा हूँ, हम उसी माहौल को हिंदुस्तान में फील कर रहे हैं। उस दौरान पूरे दुनिया से बहुत हिंदुस्तान उस दौरान नहीं बोला था, आज एक ही शेरनी है इस मुल्क में जो लड़ रही है, जो कर रही है, जो बोल रही है, वो है ममता बनर्जी साहिबा। तो मैं चाहता हूँ इसका आप सपोर्ट करें, और इसके सपोर्ट में हम जितने भी लोग हैं सपोर्ट कर रहे हैं, और आप तमाम लोग हजरात से गुजारिश है जो एक सोच है सेकुलर माइंड की एक सोच है, एक ही शेर नहीं लड़ रही है, आप दिखाएं ना कौन लड़ रहा है, एक ही वो लड़ रही है, इसको सपोर्ट करें। और इसको इसे देखिए, वो 8 साल के बाद उसकी भी गवर्नमेंट नहीं रही, 8 साल के बाद ईदी अमीन की भी गवर्नमेंट नहीं रही, वो चला गया। और उन्होंने जब उस दौरान बांग्लादेश आज़ाद हुआ था, तो जितने भारतीय मूल के, जितने भी ईसाई मूल के लोग थे, उस दौरान पे ईसाई मूल के लोगों के साथ ये मसला आया था कि वो अपने प्रॉपर्टी वहाँ छोड़ के आ गए थे, तो वहाँ के सिटीजन जो थे ना, वो जो कब्जा कर रहे थे जगह को, तो उन्होंने बोले फ्री में मिला, बांग्लादेश इनको फ्री में मिला, तो उसी तरह वो बोलते थे वो प्रॉपर्टी फ्री में मिला। तो मेरा जहन जहाँ भी जाता है वो तानाशाह से मैं मोदी को मिलाना, मैं इस गवर्नमेंट को मिलाना चाहता हूँ। ये NRC जो असम में हुआ, इसीलिए आप ईदी अमीन की बात कर रहे हैं, क्या हुआ 40 लाख लोगों को निकालने की बात चल रही है, इस पर आपका क्या? 40 लाख लोगों की बात जो आप करते हैं, कि अगर आप कोई चीज़ आइडेंटी करते हैं, सपोज इस बिलोंग टू सम अदर कंट्री, तो उस आपको प्री बार्गेनिंग एक्वायर्ड है, मतलब कि आप उनसे पूछें ना कि वो उनका है कि नहीं है। अगर है पहले वो तो एक्सेप्ट करें उनका आइडेंटिटी क्या है। आप एक दिन सुबह उठते हैं और बोलते हैं कि ये है ही नहीं, ऐसा नहीं होता। ये मुल्क का, और ये तहजीब, ये मुल्क पनाह दिया है, चाहे वो अकबर का टाइम हो, चाहे वो औरंगजेब का टाइम हो, चाहे वो दारुशिकोह का टाइम हो, चाहे वो शाहजहां का टाइम हो, इस मुल्क ने पनाह दिया, ये मुल्क ने भगाया नहीं है किसी। अभी कहा है उन लोगों का कहना है कि 1 करोड़ लोगों को बंगाल से भगाएंगे, इस पर आपका क्या? नहीं, बंगाल, ये बंगाल की धरती, यहाँ पर कुछ, ये रविंद्रनाथ टैगोर की धरती है, ये काजी नजरुल इस्लाम की धरती है, यहाँ से ये माहौल नहीं बन सकता। ये खाली बोलने की बातें, हवाई बातें, हवाई बातें। थैंक यू सो मच। অবশ্যই আজকে বলবেন
ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছিল 1947 সালের 15ই আগস্ট, 14 তারিখে রাত্রি 12টার পর থেকে স্বাধীন হয়েছিল এবং আমরা সেই স্বাধীনতা দিবস অত্যন্ত মর্যাদা সহকারে পালন করে থাকি। আজও পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত জায়গাতে কোনায় কোনায় এই স্বাধীনতা দিবস পালন করছে। আজকে আমি মিস্টার কারি আহমেদ ফাউন্ডেশনের কর্ণাধার হেড জিনি, আমাদের সকলের অত্যন্ত প্রিয় জায়দ আনোয়ার সাহেব, তিনি আজকে যে সুন্দর একটা অনুষ্ঠান করেন, যে যারা লাইন সেই ছেলে মেয়েদের নিয়ে এত একটা সুন্দর অনুষ্ঠান, তাদের যে ভালোবাসা, তারাও আজকে যে স্বাধীনতা দিবসে তারাও আমাদের সঙ্গে হাত লাগিয়ে ফ্যাক তুলল, একটা আনন্দ পেল, এটা কিন্তু খুব একটা অভিনব ব্যাপার। আজকে অভিনব ব্যাপারে আমরা এখানে আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য এখানে আসতে পেরে খুব খুশি। আমরা চাই যে পশ্চিমবঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্ব, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তার নেতৃত্বে এখানে শান্তি বিরাজ করছে, কিন্তু ভারতবর্ষের যারা যারা শাসন চালাচ্ছে সেই বিজেপি সরকার, তারা কিন্তু এই পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রদায়িক সম্পত্তি বিনষ্ট করার চেষ্টা করছে। আমরা সমস্ত সেকুলার হিন্দু মুসলমান শিখ ঈসাই সকলে মিলে আজকের দিনে আমাদের এ প্রতিজ্ঞা হোক যে আমরা দাঙ্গা চাই না, আমরা শান্তি চাই, ধর্মে ধর্মে বিভেদ নয়, ধর্মে ধর্মে সমন্বয় গড়ে উঠবে। আজকে হিন্দু মুসলমান শিখ হিন্দু মুসলমান শিখ ঈসাই মিলন হোক, আর যারা ওই আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি এবং অমিত শাহ যারা বাংলায় এসে বাংলার মাটিকে খারাপ করার চেষ্টা করছে, তারা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যতদিন মুখ্যমন্ত্রী থাকবে, তিনি যতদিন পাওয়ার থাকবে, তাও যদি ক্ষমতা থাকবে, তিনি থাকতে এইগুলো করতে দেয় আজকে তাই। এবং আপনারা জানেন যে সামনে গবরিত ঈদ উল আজহা, সেই ঈদ উল আজহাও যাতে শান্তিতে পালিত হয় সেটা আমরা কামনা করব। তারপরে আবার পূজা আছে, সব কিছুই আছে, সেগুলো ব্যাপারও শান্তিতে পালিত হয় আজকের এই পবিত্র জায়গায় পবিত্র মুহূর্তে আমরা সেই কামনা করি। আর যারা ব্লাইন্ড আছে এরকম জায়দ স্যার তাদের যে উৎসাহ দিচ্ছেন, আজকে সবাই তাদের উৎসাহ দেয়, তারাও আমাদেরই ঘরে ছেড়ে যায়, তাদের কোনো বিভেদ চলবে না, তাদেরকে আমরা আপন নিতে হবে। আমি জায়দ স্যারকে ধন্যবাদ জানাই, তাদেরকে আজকে এখানে নিয়ে এসে যে সম্মান দেওয়া হলো, ভালোবাসা দেওয়া হলো, এইগুলোর জন্য আরও বেশি করে দেওয়া হলো।